जनो, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अच्छे साथ का बुरे साथ का क्या परिणाम होता है, कितना अलग अलग प्रभाव पड़ता है, संगत का कितना प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक बार एक राजा जो है ना, शिकार करते करते घूम रहा था, घूमते घूमते वो भटक गया रास्ता, एक ऐसी बस्ती में पहुंच गया जहां पर चोर डाकू चोर डकैत और हत्यारे हत्यारे जो हत्या इत्यादि करते हैं, लूटपाट, उनका ही पूरा साम्राज्य था। वहां एक तोता सामने जैसे ही पहुंचते वो राजा धोपटकते जैसे उस गांव में प्रवेश हुआ तो सामने एक तोता बंधा हुआ था। तो तोता तुरंत बड़ी जोर की आवाज में तोता बोल रहा था, मारो मारो, काटो काटो, दौड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, मतलब पूरा इस प्रकार का ही पूर्ण रूपया चिल्लाता रहा। राजा तुरंत वहां से वापस हुआ, आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो एक पुनः एक बस्ती मिली जिसमें सज्जन लोग ज्यादातर साधु महात्माओं का डेरा था, जमावड़ा था, अच्छे लोग भी रहते थे वहां। तो वहां भी एक तोता सामने दिखा और जैसे राजा उस पर पहुंचे तो तोता कहने लगा, पधारिए पधारिए, स्वागत है स्वागत है आपका, पधारिए, जय श्री राम, मतलब बड़े अच्छे ढंग से संबोधन, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऐसे ऐसे तोता उच्चारण कर रहा था कि तबियत गदगद हो। फिर इसके बाद एक जगह राजा वहीं पर उतरा और एक महात्मा मिल गए, उनसे पूछने लगा कि कृपया आप मुझे ये बताने कष्ट करें कि इसके पहले मैं एक जो है ना जगह गया था, पहले मुझे तोता मिला था, वो तोता बिल्कुल ऐसा ऐसा कह रहा था, मारो मारो, काटो पकड़ो पीटो, और जहाँ मैं आया तो तोता अलग स्वागत कर रहा है और बड़ा अच्छे ढंग से प्रस्तुति दे रहा है, ये अंतर क्यों, ये अंतर ऐसा क्यों, तोता तो तोता ही। तब उस महात्मा ने बताया कि वो तो दिन रात वो तोता वही सुनता है, वहाँ वो तोता दिन रात वही सुनता रहता जो चीज में जो क्योंकि वहाँ उन्हीं की बस्ती है, डाकुओं बदमाशों के हत्या वही वही चलाते रहते हैं, हमेशा वही बोलते हैं वही करते हैं, तो वो उसका प्रभाव उसमें वही उसको, और यहाँ केवल हमेशा सबको आइए स्वागत करिए सबको तरह, हम तो बड़े अच्छे ढंग से व्यवहार यहाँ होता है, तो उसको बार 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 तोता को उसको वहाँ का यहाँ का व्यवहार करो। कहने का तात्पर्य कि जो जिस वातावरण में जो जिस माहौल में जो जिस संघ में वो संघ को संघ रहता है उसको उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को और हर किसी को चाहिए कि अच्छे लोगों के संग में संगत में पकड़े तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, सफलता मिलेगी और गलत रास्ता से भटकना छूट जाएगा, बंद हो जाएगा।